नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जाप का आंदोलन, आज पटना कोतवाली घेरेंगे कार्यकर्ता। शिक्षक बहाली पर ग्रहण, एस्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने में फर्जीवाड़े का आरोप, हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे अभ्यर्थी। बिहार के पीएम आवास योजनाओं के लाभुकों पर होगी कार्रवाई, ये गलती पड़ेगी महंगी। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए टीके जरूरी हो, इसीलिए कानून में करना होगा बदलाव, आयोग जारी कर सकता है गाइडलाइन। पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी, पहले 30 जून थी डेडलाइन। बिहार में बाढ़ का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे का अलर्ट, 9000 लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। बिहार में नहीं थम रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, एक मरीज की पटना में मौत, NMCH में 2 नए मरीज मिले। बारिश के कारण विधानसभा परिसर समेत पटना के कई VIP एरिया हुए जलमग्न, आम से लेकर खास इलाकों की बड़ी मुसीबत। बिहार में टीकाकरण का लक्ष्य पाना आसान नहीं, स्टॉक में चाहिए हर वक्त 25 लाख डोज। पटना के पार्कों में बिना शुल्क दिए अब पूरे दिन कर सकेंगे सैर, जानिए कैसे ले सकेंगे इस सुविधा का लाभ। अब खबरें विस्तार से। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब नेता और कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। जाप ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब करो या मरो का नारा देते हुए जेल भरो अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपील की गई है कि वह आज दोपहर 12 बजे पटना के कोतवाली थाने पहुंचेंगे। जन अधिकार पार्टी ने राज्य भर में कार्यकर्ताओं को कोतवाली पहुंचने का आह्वान किया है। इसके लिए आपके नेताओं ने तैयारी भी पूरी कर ली है। आज दोपहर 12 बजे करो या मरो जेल भरो अभियान को लेकर पटना में बवाल देखने को मिल सकता है। जाप के इस आंदोलन को लेकर पटना पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि पप्पू बीमार होने के कारण दरभंगा के DMCH में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पप्पू ने जरूरतमंदों को खूब मदद की थी, सरकार की लगातार आलोचना भी कर रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित आवास से की गई। बिहार STET परीक्षा का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी और शिक्षक संघ सरकार और बोर्ड के ऊपर बहाली में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में फर्जीवाड़ा किया गया है, इसीलिए TET शिक्षक संघ हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा है कि बिहार बोर्ड द्वारा एस्टेट की मेगा सूची जारी करना और अवैध क्षेत्राधिकार से बाहर है, नियोजन इकाई को ही मेरिट लिस्ट तैयार करने का अधिकार है। TET शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए TET परीक्षा में हुए मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए पूरी तरह से बिहार बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेगा सूची निकाला है। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से पैसा लेकर मकान का पूरा काम नहीं कराने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। बिहार सरकार ऐसे लाभुकों को अब नोटिस भेज रहा है जिन्होंने सरकार से पैसे लेकर भी मकान का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसे लाभुकों के ऊपर अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में योजना का पैसा दिया जाता है। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि भुगतान में केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% की हिस्सेदारी निभाती है। जिन लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है वो ऐसे लोग हैं जो सरकारी से पहली या दूसरी किस्त तक ले चुके हैं लेकिन मकान का निर्माण कार्य अधूरे में छोड़ चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन को लेकर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन नहीं लेते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना है। नई खबर यह है कि चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए जोड़ा जा सकता है। सरकार में इसी तरह का एक फैसला साल 2016 में पंचायत चुनाव के पहले किया गया था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिनके घर में शौचालय नहीं होगा वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए एक्ट में बदलाव भी किया गया था, लेकिन बाद में चुनाव के ठीक पहले सरकार ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के लिए एक्ट में संशोधन करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है और इसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी गाइडलाइन में आदेश जारी कर सकता है।
यदि अब तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है तो करा सकते हैं, क्योंकि पैन आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने इसे अब 3 महीने यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया है। 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी। जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है। अब घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिंक किया जा सकेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी। गौरतलब है कि कई लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, जिससे उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद बढ़ने वाली थी। 30 जून के बाद आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में आर्थिक परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से लोगों को राहत जरूर मिली है। लगातार हो रही बारिश से उत्तरी और दक्षिणी बिहार में स्थिति असामान्य होते जा रही है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे 9000 लोगों को जिला प्रशासन और NDRF SDRF की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अगले 6 घंटे में सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नवादा और जमुई में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। खुले स्थानों या पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं रहने को कहा गया है, क्योंकि बारिश के साथ भारी वज्रपात की संभावना है। वहीं राज्य के 4 जिलों के 16 प्रखंडों के निचले इलाके बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। पश्चिमी चंपारण के 2 प्रखंड, बगहा के 2 प्रखंड, पूर्वी चंपारण जिले के 5 प्रखंड, जिसमें अरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, सुगौली और बंजरिया, जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। NMCH में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज भर्ती किए गए। अब अस्पताल में ब्लैक फंगस के 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के दौरान दिया जाने वाला एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विभाग को पत्र भेजा है। अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीज के लिए ENT विभाग में 12 बेड की व्यवस्था है। पटना एम्स में शुक्रवार को 1 भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई। इसके अलावा 1 मरीज को एडमिट कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की। मानसून की बारिश से एक बार फिर राजधानी पटना पर संकट मंडराने लगा है। पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चक्रवातीय संचरण बनने के कारण शुक्रवार को बिहार के कई इलाकों में बारिश जारी रही। पटना में देर रात तक बारिश होती रही, जिससे राजधानी की सड़कें पानी से घिर गई है। पटना में शुक्रवार रात 1 बजे से आज सुबह 5 बजे तक 145 mm से लेकर 200 mm तक भारी बारिश हुई है। सबसे कम दानापुर में लगभग 100 mm और सबसे अधिक फुलवारी शरीफ में 200 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के लोगों का अभी से ही सड़कों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में नाले का पानी सड़क पर आने लगा है। पटना में शुक्रवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। एक हिस्से में देर रात तक बारिश होती रही। राजधानी के तापमान में तो गिरावट हुई है, लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई VIP इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। बिहार विधानसभा परिसर भी इस बारिश के बाद जलमग्न दिखा। विधानसभा के मुख्य द्वार से अंदर तक पानी सड़क पर ही लबालब भरा दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर दिन स्टॉक में 25 लाख वैक्सीन के डोज चाहिए। वैक्सीन की नियमित आपूर्ति बनाकर ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इधर स्थिति यह है कि 21 जून को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के दिन सर्वाधिक 7,29,332 डोज दिया गया। उसके न तो पहले और न ही बाद में इतनी संख्या में कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। टीकाकरण को गति देने के लिए इतनी संख्या में वैक्सीन की आपूर्ति की जाए, जिससे स्टॉक में हमेशा 25 लाख डोज की उपलब्धता बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन उपलब्ध हो तो राज्य में एक दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है। महाअभियान के दिन 7 लाख से अधिक डोज इसीलिए दिए जा सके क्योंकि स्टॉक में टीका था। 21 जून के बाद तो स्थिति यहां तक आ पहुंची कि 22 जून को 3.25 लाख डोज, 23 जून को 2,63,000 और 24 जून की रात तक वैक्सीन की संख्या 2,13,000 तक पहुंच गई। कहना है कि अगर वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए तो 10 दिनों में महीने का लक्ष्य पाया जा सकता है।
पटना के पार्कों में घूमने के लिए अब हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना प्रवेश शुल्क दिए ही अब पार्क की सैर की जा सकती है। इसके लिए अब विशेष पास बनाया गया है, जिसे बनवाकर लोग कभी भी पार्क के अंदर जा सकते हैं और जब तक चाहे अंदर की सैर कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के समय को छोड़कर पूरे दिन पार्क की सैर की जा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर ने जब बिहार को चपेट में लिया तो सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया। इस क्रम में सुबह के सभी पार्कों को बंद कर दिया गया था। वहीं अब जब कोरोना की लहर धीमा हुआ है और संक्रमण पर लगाम लगाया गया है तो पार्कों को भी सशर्त खोल दिया गया है। हालांकि पाबंदियां अभी भी लागू है, वहीं लोग अब पार्कों में टहलने भी जाने लगे हैं। पटना के नवीन सिन्हा पार्क, पुनाईचक पार्क, एसके पुरी पार्क समेत कई पार्कों में लोग सैर करने आने लगे हैं। अब पास के जरिए कभी भी इन पार्कों में आप सैर कर सकते हैं। इसके लिए हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इको पार्क और राजधानी वाटिका पार्क में सिर्फ सुबह में ही सैर किया जा सकता है, लेकिन बाकी सभी पार्कों में इस पास के जरिए सैर करने में फायदा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।